अब मेरे भाइयों, इसके ताल्लुक से पहले हम कुछ बातें देख लें कि जो भी चीज़ बढ़कर मिल रही है वो पैसे के बदले में जो पैसा बढ़कर मिलता है उसे सूद कहते हैं। मैं आपको एक हदीस बताता हूँ जो इस बारे में बहुत ही वाजे करने वाली हदीस है। यह हदीस बुखारी में है, किताबुल मनाकिब में। काला अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है, उन्होंने कहा, क्या कहा? इन्नका बि अर्दिन, तुम एक ऐसी ज़मीन पर हो, रिबा बिहा फाश, जिसमें सूद का काम आम तौर पर होता है। फ़ैन काना इदा काना लका अला रजुलिन हक्कन, कि अगर तुम्हारा किसी आदमी पर हक है, फ़ाहदा इलैक हिमला तिबनिन, वो तुम्हें हदिया दे थोड़ा सा जाओ, हाँ हिमला तिबनिन यानी थोड़ा भूसा दे दे, औ हिमला शईरिन थोड़ा जौ दे दे, औ हमला कत थोड़ा सा कुछ भी जो छोटी चीज़ दे दे, फला ताखुज हो फैन हो रिबा, मत लेना सूद है। क्या कह रहे हो? मिसाल के तौर पर एक आदमी ने दूसरे आदमी को 10,000 रुपये कर्ज दिए। कर्ज देना एक दूसरे को बहुत अच्छा काम है, क्या आपको पता है? सवाब का काम है। कोई अगर कर्ज लौटाता भी है तो भी उसमें सदक़े का सवाब मिलता है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनी अखीही, अल्लाह एक शख्स की मदद करता है तब तक जब तक वो शख्स अपने भाई की मदद करता है। जब तक कोई शख्स अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। जैसे कोई एक भाई है, नाम उसको दे देते हैं कुछ, क्या नाम है उसका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई को पैसों की ज़रूरत है और जाबिर भाई ने मदद की अब्दुल्ला भाई। जाबिर भाई ने कहा कि अब्दुल्ला आपको पैसों की ज़रूरत है, चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह बंदे की मदद करता है तब तक जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। सही मुस्लिम की हदीस है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन युक्रिदु मुस्लिमन कर्दन मर्रतैन इल्ला का सदक़तिहा मर्रा, जब एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को कर्जा देता है दो बार तो ऐसा है जैसे एक बार सदक़े का सवाब हो गया। यानी 10,000 के दो बार कर्ज दिए तो एक बार 10,000 का सदक़े का सवाब मिल गया जाबिर भाई को। दिए उन्होंने पैसे, एक भी रुपया नहीं दिया। वो कर्ज वापस देगा, नहीं दिया तो क्या होगा, वो तो एक बहुत अलग बात है, वो तो बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये अब्दुल्ला भाई जाबिर भाई को 10,000 रुपये वापस दे रहे हैं तो जाबिर भाई को क्या मिला? हाँ, अप्रॉक्सीमेट आप ये समझ लीजिए कि 10,000 है तो उसका आधा यानी 5,000 का सदक़े का सवाब मिल गया। 10,000 रुपये भी वापस आए और 5,000 सदक़े का सवाब भी मिल गया। इसी वजह से ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सवाब मिलता है। देखिए क्या होता है ना, ये सवाब के लिए करना चाहिए। यही काम जब लोग पैसों के लिए करने लगते हैं तो वो चीज़ हराम है, सूद है। ये काम करो किस लिए करो? बंदों से उम्मीद मत लगाओ, पैसे और लेने के लिए मत करो, अल्लाह से उम्मीद लगाओ, अल्लाह देगा। और अल्लाह ताला 50% सदक़े की एंट्री मिल गई उसको, हाँ, एक रुपया खर्च नहीं किया। एक तीसरा भाई है सलीम, उसके 10,000 उसके पास पड़े के पड़े रह गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन वही चीज़ जाबिर भाई ने 10,000 रुपये जब उसे कर्जे में दिए, कर्जे में देकर 10,000 वापस आ गए और 5,000 के सदक़े की एंट्री मिल गई। हाँ, तो ये क्या है, ये एक मिनिमम चीज़ है। अब जाबिर भाई जा रहे हैं अब्दुल्ला भाई के पास कि अब्दुल्ला भाई ऐसा करो, आपका वक्त तो हो गया, आपने वादा किया था 2 महीने में लौटाओगे, 2 महीने हो गए। तो अब्दुल्ला भाई कहते हैं, आओ जाबिर भाई, आओ जाओ, चलो बैठो, खाना खाओ, ये लो खाना खाओ, ये लो एक हदिया लो, ये लो। फिर कहते हैं, पैसे तैयार नहीं है, हाँ थोड़ा वक्त और दो। अब ये जो कह रहे हैं कि पैसे तैयार नहीं है और उसके बदले में जो खाना खिला रहे हैं, जो हदिया दे रहे हैं, तो जो चीज़ दे रहे हैं, खिला रहे हैं, दे रहे हैं, तो अब्दुल्ला बिन सलाम कह रहे हैं, अगर तुमने किसी को कर्ज दिया है और वो बदले में तुम्हें थोड़ा जौ दे रहा है, थोड़ा भूसा दे रहा है, भूसा होता है ना जानवर खाते हैं, थोड़ा भूसा दे रहा है, थोड़ी सी कोई छोटी चीज़ दे रहा है, मत लेना, वो भी सूद है, वो भी सूद है। तो ये खाना जो खिला है ये खाना सूद है, क्योंकि वो खाना अगर नॉर्मली खिलाते थे, भाई रोज़ रोज़ तो तुम मुझे खाना नहीं खिलाते थे, अभी क्यों खिला रहे हो? भाई आपने मुझे कर्ज दिया ना, तो मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, कैसी बात है ये? कर्ज का बदला अल्लाह दे रहा है ना, कर्ज का बदला अल्लाह दे रहा है, आपको कुछ देना नहीं है। उलमा बताते हैं कि अगर वो नॉर्मली पहले भी खाना खिलाता था और फिर खाना खिला रहा है तो अलग बात है, लेकिन पहले तो कभी खिलाता नहीं था, अभी खिला रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि देखो इसने मुझे कर्ज दिया, मैं भी उसके साथ कुछ करूँ, कुछ तो दूँ, ये हदिया दूँ कम से कम, ये लो भाई, ये लो मेरा मोबाइल तुम इस्तेमाल करो 1 महीने तक, हाँ ये ले लो लैपटॉप मेरा, लो थोड़ा, तुमने मुझे कर्ज दिया है ये तुम लो। तो ये जो भी दे रहा है ना, ये जो भी दे रहा है ये क्या है? सूद है।
क्योंकि बढ़ रहा है ना, ये इतना आया, 10,000 दिए, 10,000 वापस आएंगे, लेकिन ये हदिया एक्स्ट्रा में मिला, वो खाना एक्स्ट्रा में मिला। तो इसमें उलमा बताते हैं कि अगर किसी को हया आ रही है कि कैसे उसको बोलो नहीं खाना है मुझे, हाँ कि नहीं चाहिए मुझे, तो अगर उसने हदिया दे दिया आप क्या करें? तो उलमा कहते हैं कि अब उसे चाहिए, उसके ऊपर लाजिम है कि वो उससे बड़ा करके कुछ हदिया उसको वापस दे दे, ताकि वो बर्डन उसके ऊपर नहीं है, हाँ, क्योंकि वो सूदी तौर पर मामला नहीं हो जाए। देखिए आप समझ रहे हैं, आप ये बात अगर हम ये स्टेज पर समझ लेंगे तो आगे की मिसालें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या होता है कि जो भी चीज बढ़ के मिल रही है अमाउंट के ऊपर, वो बढ़ी हुई चीज को सूद कहते हैं, इसे कहते हैं रिबाल फदल, कुछ बढ़कर मिले। इसकी मिसाल हम देखते हैं, और इससे पहले की मिसाल देखें, मैं आप सबको एक डेफिनेशन बता देता हूं। देखिए जो चीजें हैं ना, उसके अंदर दो टाइप की चीजें होती हैं, एक चीज होती है समन और एक चीज होती है मुसमन। समन का मतलब है प्राइस, प्राइस का मतलब है जिस चीज से पेमेंट होता है, जिस चीज से पेमेंट होता है। मुसमन यानी जो चीज की कीमत लगाई गई, एक चीज है कीमत और एक चीज है जिस चीज की कीमत लगाई गई। जैसे आज कीमत में क्या है, रुपीज है, डॉलर है ना, रुपीज डॉलर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम देखते हैं कि सोना चांदी करेंसी होती थी सोने की, जो दीनार है वो दीनार सोने का होता था, चांदी का दिरहम होता था। लेकिन अगर मान लो कि कोई मिसाल के तौर पे किसी ने पेंसिल खरीदा, अब दीनार तो चांदी का है, हाँ जो चांदी का दीनार है उसकी वैल्यू ज्यादा है और पेंसिल की वैल्यू बहुत कम है, मिसाल दे रहा हूं, पेंसिल उस जमाने में थी नहीं, जो भी चीज थी। अब क्या है, हम देखते हैं कि दूसरी भी चीजें थी जो समन थी, प्राइस। अब एक हदीस सुनिए, इस हदीस को जो बुखारी के अंदर है और जिसके अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबादा बिन सामित रदिल्लाहु अन्हु बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी वल्फिद्दतु बिल्फिद्दती वल्बुर्रु बिल्बुर्री वश्शईरु बिश्शईरी वल्मिल्हु बिल्मिल्ही वत्तम्रु बित्तम्री मसलन बिमसलिन सवाइन बिसवाइन यदन बियदिन। बुखारी की हदीस है, किताबुल बुयू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी, गुंदुम यानी गेहूं के बदले में गेहूं, जौ के बदले में जौ, खजूर के बदले में खजूर, नमक के बदले में नमक, छह चीजें, छह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाई। कहा ये छह चीजों की डीलिंग करो तो क्या करना, मसलम भी मसलिन, जैसा था वैसे उसके बदले में वैसा, सवान भी सवाइन, बराबर के बदले में बराबर, यदन भी यदिन, हाथों हाथ। ये क्या है, हाथों हाथ वाली बात बाद में देखेंगे, वो डिले में आने वाला है, बाकी बातें अभी देख सकते हैं। क्या मतलब कि भाई अगर आपने सोना दिया इनको, ये लो एक तोला सोना लो, अब लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे, एक तोला लौटाएंगे, बढ़ा के लौटाए तो ये इतनी चांदी लो, एक तोला चांदी दिए, 10 तोला चांदी दिए, लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे, मसलम भी मसलिन। अच्छा अगर मान लो कि कोई सोने के अंदर कहे कि देखो एक तोला तुमने मुझे दिए, कितने कैरेट प्योरिटी है, 24, ये करो ये तुमने 20 कैरेट की दिए, तुमने मुझे एक तोला दिए 20 कैरेट प्योरिटी का, मैं तुम्हें एक तोला दूंगा 24 कैरेट प्योरिटी, बराबर सही है कि नहीं है, क्यों सही नहीं है, एक के बदले में एक दे रहे हैं ना तोला, आपने कहा एक के बदले में एक देना है, एक के बदले में एक, सही है गलत है, सही है गलत है, एक तोला उन्होंने दिए यहाँ पे 20 कैरेट, और जाबिर भाई ने अब्दुल्ला भाई को एक तोला सोना दिए 20 कैरेट, वो लौटा रहे हैं एक तोला सोना 24 कैरेट, एक के बदले में एक है ना, क्वालिटी बदल गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कोई लूपहोल नहीं मिलता है। देखिए क्या होता है ना, लोग जो कंट्री में रहते हैं अब बोलते हैं इनकम टैक्स लॉज में कुछ ना कुछ लूपहोल मिल जाए ताकि मेरा टैक्स बच जाए, तो वो लोग इस्लामिक लॉज में भी कहीं ना कहीं लूपहोल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कोई लूपहोल है ही नहीं, क्योंकि हदीस क्या है, सवाम भी सवाइन, बराबर के बराबर बराबर, मसलम भी मसलिन, जैसा है उसके बदले में वैसा, मतलब कोई लूपहोल नहीं छोड़ा गया कि 20 के बदले में 20 दो। अच्छा पुराना सोना किसी ने दिया और नया सोना लिया, हाँ तो क्या हो गया, कोई भी चीज करके बेनिफिट नहीं आना चाहिए समन में। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि खजूर के बदले में खजूर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाकी की जो चार चीजें हैं, खजूर के बदले में खजूर, नमक के बदले में नमक, जौ के बदले में जौ, गेहूं के बदले में गेहूं। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई आया है ये खरीदना चाहता है,
अब दिरहम की जो वैल्यू है दिरहम, उससे तो बहुत कम वैल्यू है, उसके अंदर 100 कप आ जाएंगे सपोज, तो अभी क्या करेंगे? अब इसे पेमेंट देंगे तो कैसे देंगे? अब पेमेंट देंगे तो ये लो इतने इतना खजूर ले लो, ये लेके जा रहा हूं, वो खजूर गेहूं नमक और जौ वो रुपी और डॉलर जैसा बिहेव करते थे उस जमाने में। ये क्या है? ये वो चीजें हैं जो समन में आ रहे हैं। तो अब ये क्या है? वो दे रहा है तो क्या दे रहा है? गेहूं दे रहा है। ये गेहूं लो, क्योंकि गेहूं की वैल्यू है, गेहूं को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब चीजों को गिना है, कहा गेहूं के बदले में गेहूं, नमक के बदले में उतना नमक, हाँ जौ के बदले में जौ, खजूर के बदले में खजूर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फयदिक तलफ हादिहिल असनाफ भी उकई फशी तुम वाइन काना यदन भी यदिन, जब ये चीजें इंटरचेंज हो जाए तो फिर जैसे चाहते हो तिजारत करो, यदन भी यदिन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, जैसे चाहते हो तिजारत करो। मतलब मिसाल के तौर पर कोई अगर सोने के बदले में चांदी दे रहा है, तो यहां पर अगर मान लीजिए जैसे कि एक तोला सोने के बदले में आधा किलो चांदी देना है, तो यहां पे सेम का सेम होगा, एक तोला सोने के बदले में एक तोला चांदी, यहां पे ऑब्वियसली सेम नहीं होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फइज़ तलफ हाज़िहिल असनाफ फबी उकैफ शीतुम, जब ये चीजों में अगर इंटरचेंज हो तो जैसा चाहते हो तिजारत करो, वइन काना यदन बियदिन, तब तक जब तक हाथों हाथ हो। हाथों हाथ का क्या मामला है? हम आते हैं, तो आप ये रिबा ऑफ इंक्रीज जो बढ़ने वाला सूद है, ये हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली इस हदीस से। एक और मिसाल दे रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ, ये हदीस सही बुखारी किताबुल वकाला में, जा बिलालुन, बिलाल रज़िल्लाहु अन्हु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी तमरीन बरनीन, बरनी खजूर लेकर, बरनी खजूर अच्छी क्वालिटी का खजूर लेकर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़क़ाला लहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनैना हादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कहाँ से आया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलाल रज़िल्लाहु अन्हु ने कहा क़ाला बिलाल काना इंदना तमरुन रद्दीयुन, हमारे पास कुछ रद्दी खजूर थे, रद्दी खजूर कम दर्जे के खजूर। अब क्या किए उन्होंने, सुनिए, काना इंदना तमरुन रद्दीयुन फबीतु मिन्हु साइनी बिसाइन, मैंने दो सा रद्दी खजूर देकर एक सा बरनी खजूर अच्छे खजूर लिए, दो सा कम दर्जे के खजूर, दो सा, हाँ सा एक मेजर है उस जमाने में चलता था, दो सा कम दर्जे के खजूर दिए, उसके बदले में एक सा अच्छी क्वालिटी की खजूर लिए, ये दो दिए और वो एक लिए। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम इस्लाम में हराम नहीं है, इस्लाम में बार्टर सिस्टम जायज होने की कई दलाइल है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर के बारे में आता है कि उन्होंने इतनी दूर की जमीन करीब की जमीन के बदले में बार्टर किए, बार्टर करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, अब सुनिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि उन्होंने क्या किए खजूर में, खजूर क्या है, वो छह चीजों में से एक है। कौन सी छह चीजों में से एक? वो छह चीजें जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसमें डीलिंग करना तो सवान भी सवाइन, बराबर के बराबर करना, मसलम भी मसलिन, इक्वल के बदले में इक्वल करना, जैसे के बदले में वैसे करना, ये वो छह चीजों में से है, जैसे के बदले में वैसे। बिलाल रज़िल्लाहु अन्हु ने क्या किए थे कि दो सा कम दर्जे के खजूर देकर एक सा अच्छी क्वालिटी के खजूर लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पता चला कहा अव्वा अव्वा ऐनु रिबा ऐनु रिबा, कहा आगा हो जाओ आगा हो जाओ, यही तो सूद है, यही तो सूद है, यही तो सूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तफल, ऐसा मत करो, वलाकिन इज़ा अरदता अन तश्तरिया, लेकिन जब तुम चाहो कि तुम्हें खरीदना है तो क्या करो, तो कहा फबी अतमरा बी बई इन आखर सुमश्तरी, तो वो जो तुम्हारे पास रद्दी खजूर है उसको एक ट्रांजैक्शन में बेच दो, फिर दूसरे अच्छे खजूर को खरीदो, दो को बेच दो फिर एक को खरीदो अलग से, दो अलग ट्रांजैक्शन में करना, ऐसा अदला बदली मत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ये तो सूद है, ये तो सूद है। तो ये क्या है, ये एक बात है जो हम पहुंच रहे हैं। अब ये बात हम देखकर, ये हमने रिबा अल फदल का इंट्रोडक्शन देख लिया, इससे पहले कि हम मिसालों में जाए अब हम रिबा अन नसिया देखेंगे। रिबा अन नसिया क्या है? रिबा अन नसिया का मतलब है डिले की रिबा, वो सूद जो ताखीर से आता है। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम किताबुल बुयू में
इन्नमर रिबा फिन नसिया, यकीनन ताखीर में रिबा है, ताखीर में रिबा है। क्या मतलब? हम देख रहे हैं ये जो छह चीजें जो हम देख रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क्या आया कि ये छह चीजें जब डीलिंग करो, सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी, गुंदम के बदले में गुंदम, खजूर के बदले में खजूर, जौ के बदले में जौ, नमक के बदले में नमक, जब छह चीजों में डीलिंग करो तो बराबर के बराबर में बराबर, सेम के बदले में सेम। लेकिन एक बात वहां ये क्या कही, यदन भी यदिन, हाथों हाथ करना, हाथों हाथ करना। जो हाथों हाथ वाला मामला है ये भी एक कंडीशन है कि हाथों हाथ डीलिंग करना, ताखीर नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, सूद किस चीज में पैदा होता है? सूद जो होता है ना तो समन में होता है, मुसमन में नहीं होता है। समन प्राइस, ये चीज के अंदर सूद होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जो छह चीजें हैं इसमें जब तुम डीलिंग करो तो हाथों हाथ करना, डिले नहीं होना चाहिए, वो डिले के अंदर सूद होता है। तो ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। आगे हम ये देखते हैं कि बरा बिन आज़िब और ज़ैद बिन अरकम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मनी चेंजर्स थे दोनों सहाबी। आता है कि उन्होंने फ़क़ाला कुन्ना ताजिरैन अला हदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि हम दोनों ताजिर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। और फ़सअलना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। क्या सीखा हमने यहाँ तक? बरा बिन आज़िब और ज़ैद बिन साबित, ज़ैद बिन अरकम, ये दोनों क्या थे? ताजिर थे। क्या चीज़ में डील करते थे? एक्चुअली ये मनी चेंजर्स थे, जैसे होते हैं ना मनी चेंजर्स, रुपीस के बदले में डॉलर वगैरह, मनी चेंजर्स थे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। क्या पूछा हमने देखा नहीं है, क्या जवाब मिला देखा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी कुछ सीखने के लिए है। क्या सीखने के लिए है? कि जो भी काम कर रहे हो तो पूछा करो। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें जो इल्म वाले हैं हमें उनसे पूछना चाहिए, कन्फर्म करना चाहिए, ताकि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है हमें मालूम पड़े, हम सीख रहे हैं ये उनके एटीट्यूड से। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनका ना यदन भी यदिन, अगर हाथों हाथ डीलिंग कर रहे हो तो फलाबास, तो कोई हर्ज नहीं। व इनका ना नसान, अगर ताखीर है फला यसलुहु, तो सही नहीं है। अगर ताखीर है तो सही नहीं है, हैंड टू हैंड होना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पर सोने के बदले में सोना जब करना है ना तो हैंड टू हैंड करो, ताखीर नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर कोई शख्स कर्ज दे, कर्ज का डॉक्यूमेंट, कर्ज का जो मामला है, कर्ज का जो होता है मामला, कर्ज के अंदर ताखीर होगी तो सेम टू सेम आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल डीलिंग्स जब करो तो सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी जब करो तो हैंड टू हैंड करना, ताखीर नहीं होनी चाहिए। जो नॉर्मल डीलिंग्स में ताखीर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। और दो हदीसें हम देख चुके हैं बुखारी की, एक हदीस में आया कि नसान अगर उसमें डिले हुआ तो सही नहीं है, दूसरी हदीस में आया यदन भी यदिन करना, हैंड टू हैंड करना। तो हम देखते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह उन्होंने बताया है कि चाहे सोना चांदी हाई क्वालिटी का हो, लो क्वालिटी हो, कंप्लीट हो, ब्रोकन हो, ब्लॉक्स में हो या जेवर में हो, प्योर हो या मिक्स हो, उसके अंदर ये रूल्स फॉलो होंगे। इस बारे में उलमा का इजमा है, कंसेंसस है, मतलब इसमें कोई इख्तलाफ भी नहीं है। और ये चीज़ के बारे में लोगों को अक्सर इल्म नहीं है। दो टाइप के रिबा है, एक है इंक्रीज, एक है डिले। अब एक मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, ज़रा बताइए आप कि ये सही है गलत है। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला भाई 100 रुपये की नोट निकालते हैं, ऐसा करें 500 रुपये की नोट निकालते हैं, तौकीर भाई से कहते हैं तौकीर भाई इसका ज़रा चेंज है, आपके पास चेंज है? तौकीर भाई कह रहे हैं कि 500 का चेक कर रहे हैं तो निकाले 100, 200, 300, 400 निकले, बोले ये 400 है अभी, तो ये कहते हैं कि ठीक है वो दे दो, 100 बाकी है। इन्होंने इन्हें 500 दिए, इन्होंने इन्हें 400 दिए। अब अगर वो 100 के बारे में बात ये है कि ये 100 कर्ज है, बाद में मैं तुमसे लूँगा, कर्ज की बात हो गई, या मान लीजिए कि इन्होंने इन्हें एजेंट बनाया कि ये मेरे एजेंट हैं, ये मैंने इन्हें 500 दिया हूँ तो 500 में से 400 आ गए, 100 आने बाकी है, ये एजेंट के तौर पर। एजेंट का क्या मसला होता है? एक हो जाते हैं, दो अलग पार्टी नहीं रहते। अल वकील फी हुक्मिल मुवक्किल, एजेंट जो होता है वो जिसकी तरफ से है वो उसके तरफ से ही है, मतलब दोनों एक ही है। एजेंट जो मुवक्किल जिसकी तरफ से है वो उसी की तरफ से है, मतलब वो एक ही हो गए। लेकिन अगर दो अलग हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कर्ज की बात हुई कि देखो ये कर्ज है बाद में मैं तुमसे लूंगा, ना एजेंसी वाली बात है, और अगर हम देखें कि ये चले गए 500 रुपए देकर 400 लेकर,
इन्हें 500 मिले, दोनों अलग हो गए, तो यहां पर सवान भी सवाइन का रूल नहीं मैच हुआ, इक्वल के बदले में इक्वल का रूल मैच नहीं हुआ, और इसमें डिले भी आ गया। तो क्या आपको बताया कि दोनों पर लानत के साथ जा रहे हैं, ये सूदी एक ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब ये चीज में इतना कॉशन है। देखो क्या होता है ना कि मिसाल के तौर पे बॉम्ब होता है ना, कहीं पे किसी ने बॉम्ब रख दिया, तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो आएंगे तो वो लोग कैसे आएंगे, बहुत संभाल करके, इक्विपमेंट गियर लेकर। जो समन होता है, मनी होता है, इसी चीज में सूद का काम होता है। तो इसके अंदर शरीयत ने बहुत दूर दूर तक रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं, ताकि सूदी काम कोई करना तो दूर की बात, उसके अंदर एंट्री हो तो भी वो बॉम्ब सूट लगा करके एंटर हो। मतलब पैसों की बात जो हो उसके अंदर डिले हो तो वो कर्ज का क्लियर डॉक्यूमेंट हो, क्लियर बात हो, डॉक्यूमेंट नहीं हो तो बातचीत हो तो एक अलग बात है। लेकिन बाकी इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया यदन भी यदिन का रूल है, हैंड टू हैंड डीलिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या अफसोस की बात है ना कि लोग सूदी काम भी करते हैं और इसके प्रिकॉशन से भी दूर हैं। तो ये जैसे इस्लाम ने सिर्फ बेहयाई को मना नहीं किया, बेहयाई के रास्तों को भी मना किया, बेहयाई के करीब भी मत आना। तो यहां ये बात है कि ये सूदी काम के जो रास्ते हैं उसको ब्लॉक किए गए हैं।